पेज नंबर गाइस कम ऑन गिरा एक बात मेरे दिल में आई एक मिनट बोल देता हूं दो अटेम्प्ट में 50 50 परसेंट पढ़ाई करके आप पास नहीं हो सकते एक अटेम्प्ट में 100 परसेंट करने से पास हो सकते समझ में आ है तो अगर कर रहे हो ना कोशिश तो पूरी करो नहीं तो पढ़ाई मत करो ना पढ़ाई होगी ना लाइफ में एंजॉयमेंट होगा इसलिए आज से इतना ही समझो पढ़ाई कर रहे हो तो फुल शॉट, फुल स्ट्रोक में नहीं तो पढ़ाई करने का नाटक मत करिए आठ से दस घंटे पढ़ाई करने से कोई पास नहीं होता आपको बोल रहा हूं सच में

पर सामान्य इंसान के लिए इतना टाइम लगता है और नहीं तो फिर अटेम्प्ट लगते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड बहुत सिलेबस समंदर है हर रोज निकला जा रहा है हाथ से है ना अब तो जाग जाओ मेरे दोस्तों कोई भी चीज एक चीज मैंने समझी है कि कोई भी चीज करते ना हम इंसान ने उसी में सक्सेस मिलता है जो चीज हंड्रेड परसेंट से करी हो पर हमारा बुद्धिमत्ता ऐसी होती है हमें बहुत सारी चीजें एक साथ करने का मन होता है अगर मैं मेरा जो एटीट्यूड रहा है आप आज मैं इतना सक्सेसफुल हुआ क्यों बिकॉज मैंने कभी भी वही काम किया तो जो काम किया हंड्रेड परसेंट किया मैं दिमाग में दूसरी चीज़ें लेकर नहीं चलता हूं। देखो मैंने बहुत कुछ नहीं किया अभी मैं क्लास में भी हूँ ना तो मैं आपको आप, आप खुद देखते हो मैं कितना एन्जॉय कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में और टेंशन नहीं होंगे पर मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ मैं सिर्फ उसी का होना पसंद करता हूँ अगर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ना तो इंसान को कभी सक्सेसफुल सक्सेस success नहीं मिलता आप क्लास में बैठते हो आपके दिमाग में हजारों बातें चलती है और जब आप पढ़ाई करते हो तब आप क्लास के बारे में सोचते हो मूवी में बैठते हो पढ़ाई के बारे में सोचते हो पढ़ाई के बारे में बैठते हो तो आप किसी और के बारे में स... ऐसे इंसान कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते मुझे क्या लगता है अगर इंसान को एक चीज मैं समझता हूं अगर कुछ बनना है तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है है ना जितने भी लोग बड़े बड़े हैं इस दुनिया में आप देखते हो चाहे वो अक्षय कुमार हो चाहे वो शाहरुख खान हो चाहे नरेंद्र भाई हो या फिर ओबामा हो इंसान इसी तरह से किसी का फेवरेट और इतनी फैन फॉलोइंग नहीं होती और इंसान इस तरह हम लोग क्या देखते हैं उनका फ्रंट एंड देखते हैं अक्षय कुमार क्या जिंदगी है आसम क्या मजे करता है शाहरुख खान नरेंद्र भाई ऐसा लगता है आपको फ्रंट एंड पे पर कभी देखना बैक एंड पे जाकर ये लोग कितनी मेहनत करते हैं अक्षय कुमार चार बजे उठता है क्या जरूरत है उसको नरेंद्र भाई चार घंटे सोते हैं है शाहरुख खान इतना गरीब है ना कोई उसका कोई गॉडफादर था कैसा था वो कहां से कहां पहुंचा आज सुपरस्टार है पर आपको उसका फ्रंट एंड नजर आ रहा है पर कभी देखा इन लोगों ने कितनी मेहनत करी है अगर आपको कुछ ऐसा बनना मेरा तो एक ख्याल है इंसान ने जीना ना तो एक अपना नाम करके जीना सला हम लोग मरे तो दस लोग नाम ले नहीं तो सलाह अपने बाजू वाला भी पहचानता नहीं हमें तो ऐसा जिक्र क्या मतलब है तो ऐसा अगर बनना है तो उसके लिए बहुत घिसना पड़ता है उसके लिए बहुत आपको मेहनत करना पड़ती है हम सिर्फ सपने देखते हैं मैं भी ऐसा बन जाऊंगा साहब ऐसे वैसे नहीं बनता इंसान ये जो आज दिख रहा ना मैं दस साल की पूरी दस बारह साल से मेहनत कर रहा हूं तब जाके आज ये दिन दिख रहा है लोग बोलते हैं क्या मजे कर रहा है स्वप्निल स्वप्न ने ये पैसे छाप रहा होगा ये उसके कितना फेम है ये है नेम है अपने आप नहीं मिलता है बारह साल लग गए यहां पर पहुंचने को वो किसको दिखता थोड़ी ना आज आज दिख रही हो और इसके पहले साल आपके जैसे उम्र में मैंने अपने आप को बहुत संभाला आपके आपके जैसे था ना मैं मैं कुछ साल पहले 2007 में तो मैं आपकी जैसा था ज्यादा उम्र थोड़ी है 2007 में मैं आपके जैसा बैठता था 2008 में एग्जामिनेशन दिया मैंने 2008 में अगर मैं आपकी उम्र में तब सीरियस नहीं होता तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं मिलते मतलब कंक्लूजन ये है किसी मोड पर आकर आपको बहुत सीरियस होना जरूरी है यू कैन नॉट अचीव सक्सेस जिंदगी भर कैजुअली आप रहोगे नहीं देख लेंगे यार लाइट लो लाइट लेने से काम नहीं चलेगा समटाइम्स कुछ पल के लिए यू हैव टू बी सीरियस ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है मैंने एंजॉयमेंट आपसे ज्यादा की है पर मैंने वक्त का ध्यान रखा कब करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है एंजॉयमेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है कब करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी अगर एग्जाम में दो या तीन महीने बचे हैं तो आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको ना इधर दिखे ना उधर दिखे आपके सिर्फ फोकस होना चाहिए मुझे लक्ष्य मुझे सिर्फ पास होना है आपको कुछ और चीजें से आपका मन ही नहीं लगना चाहिए आपको दिखना भी नहीं चाहिए मेरा टारगेट है मुझे पास होना है यार कमाल करते हो यार मैं अब बस मंजिल से दो महीने तीन महीने दूर है आप जानते हो तीन महीने बाद आपकी लाइफ कैसे होगी आप यकीन नहीं करोगे दौलत शौरत इज्जत क्या क्या नहीं होगा आपके पास में जस्ट ओनली थ्री मंथ्स पर आपने इतनी जिंदगी भर मेहनत की पर जब आपका मेन यू नो आखिरी ओर में आपको सीरियस होना है और आप आखिरी ओर में हिम्मत हार रहे हो कितना लगन से पढ़ना चाहिए आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए यार बस तीन महीने खत्म हो रहा है उसके बाद में आप जानते हो ना पढ़ाई होगी ना कुछ होगा सिर्फ इनकमिंग पैसा आता रहेगा सलाह इंसान जब खुद के पैसे उड़ाता है ना उसका मजा ही कुछ और होता है मुझसे पूछो खुद के पैसे यार उड़ाने का मजा है बाप के पैसे तो कोई भी उड़ाता है खुद के पैसे कमा उड़ा ए उसका मजा ही कुछ और है पर ये चीजें समझेगा कौन आप कब से सोचते हो पढ़ाई करना पढ़ाई करो बच्चों बाकी सारी चीजें टेम्परे सेटिस्फेक्शन है लॉन्ग टर्म में यही चाहे कुछ नहीं काम में आएगा ना दोस्ती ना यारी एक ही चीज साथ में आएगा एक बार दो शब्द आपके साथ में जुड़ने दीजिए फिर देखिए दुनिया कैसी रिस्पेक्ट करती है